हेलो एवरीवन, मैं ज्योति बुधवार डायनेमिक स्टडी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम क्विज़ 7 DBMS पे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ DBMS? DBMS एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र्स को अलाउ करता है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, उसके अंदर मॉडिफाई करने के लिए। लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्करेंसी प्रोटोकॉल एंश्योर बोथ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक? वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो एंश्योर करता है कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को और डेडलॉक फ्री को? तो वो है टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल, आंसर बी। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अ रिलेशन इन BCNF इज ऑलवेज इन 3NF, रिलेशन इन 3NF इज ऑलवेज इन BCNF, BCNF एंड 3NF आर सेम, अ रिलेशन इन BCNF इज नॉट इन 3NF। तो फर्स्ट थिंग क्या है, जो रिलेशन हमारा BCNF में होता है वो फर्दर 3NF, 2NF, 1NF वो उन सभी में होता है। तो स्टेटमेंट ए विल बी करेक्ट, अ रिलेशन इन BCNF इज ऑलवेज इन 3NF, बट वाइस वर्सा मे नॉट ट्रू। इन अ ER डायग्राम इलिप्स रिप्रेजेंट, ER डायग्राम के अंदर इलिप्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एट्रीब्यूट्स को। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ER मॉडलिंग टेक्निक इज अ, जो हमारी ER मॉडलिंग टेक्निक होती है वो फॉलो करती है टॉप डाउन अप्रोच को, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज गिवन इन अ रिलेशन आर ए बी सी डी ई एफ जी। ये कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई हैं ए टू बी, बी सी टू डी ई, ए ई एफ टू जी, बट इज़ द क्लोजर ऑफ ए सी अंडर दिस सेट? हमें बताना है क्लोजर ऑफ ए सी। क्लोजर ऑफ ए सी का मतलब क्या है कि हम ए सी से, ए सी को यूज़ करके हम कौन कौन से सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट द क्लोजर ऑफ ए सी, एक्सक्यूज मी, ए सी क्लोजर हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे। ए सी तो दिया हुआ है, ए सी तो होगा ही होगा। ए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बी पे जा सकते हैं ए से, और जब हमारे पास बी और सी होगा तो हम डी और ई तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए सी का क्लोजर। अब ई तक चले गए हम, एफ और जी फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एफ चाहिए तब हम जी पे जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए बी सी डी ई, सो डी विल बी द आंसर। इन SQL डैश इज एन एग्रीगेट फंक्शन। SQL के अंदर एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? मिन, मैक्स, सम, एवरेज और काउंट। सो इनमें से कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे? एवरेज। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये पांच हमारे SQL के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। रिलेशन ए बी सी डी वेयर डोमेन्स ऑफ ए बी सी डी इंक्लूड ओनली एटॉमिक वैल्यू, ए टू सी, बी टू डी, रिलेशन इज इन, हमें रिलेशन बताना है कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई हैं और हमारा रिलेशन क्या है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन आर ए बी सी डी, ए टू सी, बी टू डी। अब ए टू सी है और बी टू डी है। अब फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन से एट्रीब्यूट पे हमारी इनकमिंग एज नहीं है, वो है ए और बी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी का अगर हम क्लोजर निकाल लेंगे तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ए से हम सी फाइंड आउट कर सकते हैं और बी से हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हमने रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर लिए? यस। तो जब हम किसी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट से हम सारे एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर ले तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। तो ये हमारी क्या होगी? कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के बाद हमें बताना है कि वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे BCNF के लिए। तो BCNF हमारी क्या कहती है कि BCNF में अल्फा टू बीटा
अल्फा हमारा कैंडिडेट की होना चाहिए, तो क्या इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी में अल्फा हमारा कैंडिडेट की है? फॉल्स, तो बी सी एन एफ तो नहीं होगा, बिकॉज उसका पार्ट है, नॉट कंप्लीट ए बी, ए और बी अलग अलग है। फिर आते हैं हम थ्री एन एफ पे। थ्री एन एफ क्या कहती है कि अगर अल्फा टू बीटा है तो या तो अल्फा हमारा कैंडिडेट की हो और या हमारा बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो। अब हमारे प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट हो। तो सी और डी हमारे प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, वो तो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं हमारे? ए और बी। तो ना तो इधर हमारी कैंडिडेट की है लेफ्ट हैंड साइड में, ना हमारे राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है, तो हमारा थ्री एन एफ में भी नहीं होगा। फिर आते हैं हम टू एन एफ पे। टू एन एफ क्या कहता है कि अगर हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए का मतलब कि अगर हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी प्राइम टू नॉन प्राइम है तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। तो क्या इस रिलेशन में, इन फंक्शनल डिपेंडेंसी में कहीं पे प्राइम टू नॉन प्राइम है? हाँ है, ए टू सी, बी टू डी, क्योंकि ए और बी दोनों क्या हैं? प्राइम एट्रीब्यूट हैं, तो हमारा टू एन एफ में भी नहीं होगा। लास्ट में बचा वन एन एफ, तो अगर एटॉमिक वैल्यू दी हुई है तो वो वन एन एफ में तो होगा। तो वन एन आंसर विल बी वन एन एफ बट नॉट इन टू एन एफ, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर की इन रिलेशनल स्कीमा विद एट्रीब्यूट वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड प्राइमरी की वी वाई। हमारे पास प्राइमरी की दी हुई है वी वाई और हमारा एक रिलेशन का एट्रीब्यूट्स का रिलेशन दिया हुआ है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कौन सा हमें बताना है, इन चार में से कौन सी हमारी सुपर की नहीं होगी? तो सुपर की कौन सी होती है कि जो हमारी रोज और टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, और वी वाई हमारी प्राइमरी की दी हुई है। तो प्राइमरी की कौन सी होती है? हम किसी भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि वो किसी भी एक कैंडिडेट की को एज ए प्राइमरी की मेंशन कर देता है। तो यानी कि वी वाई हमारी कैंडिडेट की भी होगी। तो जो हमारी सुपर की होती है वो एक प्रॉपर सुपर सेट होता है हमारा कैंडिडेट की का, उसके अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होने चाहिए जो हमारे कैंडिडेट की के अंदर हैं। तो ए ऑप्शन है वी एक्स वाई जेड, वी वाई प्रेजेंट है तो ये सुपर की होगा। बी वी डब्ल्यू एक्स जेड, इसके अंदर वी वाई प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारा सुपर की नहीं होगा। हमें बताना है नॉट अ सुपर की, सो बी विल बी द आंसर। कंसिडर अ रिलेशन आर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारी तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई हैं। इसमें हमें बताना है कैंडिडेट की कौन सी होगी। तो कैंडिडेट की के लिए हमें पहले इनकमिंग एज चेक करना पड़ेगा, जिसमें पे नहीं है उसको मेंशन करके। अब वी वाई टू डब्ल्यू, वी वाई टू डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स टू जेड और जेड वाई टू वी, जेड वाई टू वी, तो हमारा किस पे इनकमिंग एज नहीं है? वाई एक्स, यानी कि एक्स वाई पे हमारा इनकमिंग एज नहीं है, तो एक्स वाई हमारा एक कैंडिडेट की का पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम एक्स वाई से फाइंड आउट करते हैं, एक्स वाई का क्लोजर निकाल लेंगे, उससे हम देखेंगे कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स वाई का क्लोजर अगर निकाला तो उससे हम ओनली सिर्फ एक्स और वाई तक ही पहुंच सकते हैं, आगे कोई और एट्रीब्यूट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो ये तो नहीं होगा। अब आगे फर्दर कैसे पता करें कि हमारा कौन सा कैंडिडेट की होगा? अब ये एक्स और वाई हम हर एक एट्रीब्यूट के साथ कंबाइंड करेंगे और फर्दर उनका क्लोजर निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा हमारा कौन सा कैंडिडेट की है। वी एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक्स वाई, अब हम इन तीनों का क्लोजर निकाल लेंगे। तो वी एक्स वाई से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वी वी एक्स वाई तो फाइंड आउट होगा ही होगा। वी वाई से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? डब्लू, वी वाई से डब्लू, और डब्ल्यू एक्स से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? डब्ल्यू एक्स हमारे पास हो गया, उससे हमने जेड फाइंड आउट कर लिया।
तो वी एक्स वाई ने सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर लिए, तो वी एक्स वाई हमारी कैंडिडेट की होगी। नेक्स्ट डब्ल्यू एक्स वाई, अब डब्ल्यू एक्स वाई से हम और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। डब्ल्यू एक्स से हमने किया जेड, अब वी हमें करना है जेड वाई, जेड और वाई, जेड वाई से हमारे पास आ गया वी, जेड वाई से हमारे पास आ गया वी, तो ये भी हमारा कैंडिडेट की होगा। अब जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, अब जेड एक्स वाई, जेड वाई से हमने फाइंड आउट किया वी और वी वाई से हमने फाइंड आउट किया वी वाई डब्लू, तो ये हमारे तीनों कैंडिडेट की होंगे। अब इनमें से कौन कौन से हैं, यहाँ पे वी एक्स वाई प्रेजेंट, हमारी कैंडिडेट की कौन कौन से है, वी एक्स वाई, डब्लू एक्स वाई और जेड एक्स वाई। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट है, वी एक्स जेड कैंडिडेट की था नहीं, वी एक्स वाई हाँ था, वी डब्लू एक्स वाई, वी एक्स वाई इसके अंदर, अब ये इसका एज अ सबसेट है, डब्लू हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हमारा सुपर की हो गया, नॉट ए कैंडिडेट की। तो इसमें हमें बताना है कि कैंडिडेट की कौन सा होगा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इफ़ अ शेड्यूल हैज़ एन ट्रांजेक्शन देन हाउ मैनी डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल, अगर हमारे पास एन ट्रांजेक्शन है किसी शेड्यूल में और हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सीरियल शेड्यूल होंगे। सीरियल शेड्यूल कौन से होते हैं, सीरियल शेड्यूल में जब अगर कोई एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रखी है तो जब तक वो एंड नहीं कर देती तब तक हम दूसरी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट नहीं करेंगे सीरियल शेड्यूल में। तो यानी कि एंड ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट के लिए एन चॉइस होंगी, उसके वो किसी में भी स्टार्ट कर सकती है, सेकंड वाली के लिए एन माइनस वन चॉइस होंगी, जब वो कंप्लीट हो चुकी होगी तब नेक्स्ट होगी हमारी, थर्ड वाली के लिए एन माइनस टू अप टू वन, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू टू इंटू वन, तो ये होगा हमारा एन फैक्टोरियल। सो बी विल बी द सी विल बी द सॉरी सी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप किसी और फर्दर टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर योर फ्यूचर।